हेलो गाइस, मेरा नाम सिराज खान है और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन और रेगुलर बेस में जो आप लोग मॉकटेल पीते हैं जिसका नाम है वर्जिन मोहितो। हम बात कर रहे हैं वर्जिन मोहितो के ऊपर और मैं बहुत ही अच्छा आपको उसके ऊपर रेसिपी बताने वाला हूँ। और वर्जिन मोहितो की बात ये है कि अभी हम लोग कंटिन्यू दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी में, होटल्स में, कैफे में अगर हम लोग इवेंट करने के लिए और बारटेनिंग के लिए हम लोग जब जाने लगे तो वहाँ के बच्चे लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग ने हमसे मिले और बोलते हैं कि यार हम लोग को बहुत ही अच्छा वर्जिन मोहितो बनाना आता है, तो सर एक बार आपका वर्जिन मोहितो टेस्ट कराइए। जब वो पीने लगे तब बोलने लगे कि सर प्लीज़ आप ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। हालांकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों को साथ में वीडियो शेयर करूं, पर वर्जिन मोहितो होता कैसे है और उसकी प्रॉपर रेसिपी क्या होती है, क्योंकि देखिए बनाते तो पूरी इंडिया बनाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिकने वाली मोहितो है वर्जिन मोहितो। लेकिन मेन चीज़ जो रहती है ना उसकी मेजरमेंट रहती है, उसकी मेजरमेंट। तो चलते हैं एक प्रॉपर सिस्टम से और मेजरमेंट के साथ में और एक अच्छे टेस्ट के साथ में हम लोग एक वर्जिन मोहितो अभी बनाना, आपको उसकी प्रॉपर रेसिपी बताते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। हमेशा वर्जिन मोहितो बनाने से पहले ना तो बिल्कुल हमको फ्रेश मिंट लेके बनाना पड़ेगा, तभी इसकी जो प्रॉपर जो इसकी जो खुशबू है ना और इसकी जो एक एसेंस है, जो मिंट की जो एक एसेंस होती है ना, वो आपको एक ड्रिंक के अंदर मिलेगा। क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ड्रिंक में एक है और सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। अगर हम इसको अगर अच्छी तरह से ना बनाएं तो फिर आप समझिए बहुत सारे कैफे वाले, बहुत सारे क्लब वाले, बार वाले का यही शिकायत रहता है और बहुत सारे जो हमारे जो परमानेंट गेस्ट भी हैं जो हमको मिलते हैं कि यार हमसे घर से अच्छा नहीं बन पा रहा है, घर में तुम इसमें क्या ऐसे डालते हो। कुछ नहीं है, मैं आज वो सारी मेरी सीक्रेट और इंडियन कॉकटेल एकेडमी का जो लोग बोलते हैं कि कुछ सीक्रेट है, मैं वो सारी सीक्रेट आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग सबसे इंग्रेडिएंट्स अच्छी लेनी चाहिए। फ्रेश मिंट ले रहे हैं, अब फ्रेश मिंट के साथ में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिंट भी नहीं डालना है, ना इसको एकदम चटनी भी नहीं बनाना है, राइट। मैंने मिंट डाल दिया, अब मिंट डालने के बाद हम लोगों ने अभी एक लेमन को, लेमन चिंग हम लोग इसमें ऐड करेंगे। मैं अभी हमारे इंडियन कॉकटेल एकेडमी के अंदर आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ, तो हमको ऐसे दो वेजेस ले लेना है, दो से तीन वेजेस ले लेना है। तो हमने ये वेजेस इसको ऊपर हमने इसमें कोट किए। इसके बाद आता पार्ट आता है इसको मडल करने का। अब मडल करने की जो पार्ट है ना, सबसे पहले जो अहम चीज़ है इसकी यही है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मडल कर देते हैं, एक तो आपका मिंट की एकदम उसकी चटनी बन जाएगी, दूसरी चीज़ ये होती है जो लेमन हम पील के साथ में इसमें जो ऐड किए हैं, लेमन पील के साथ में जो ऐड किए हैं उसका लेमन का एक एसेंस आएगा, क्योंकि ये लेमन मोहितो है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसको मॉडल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग इसको मॉडल करते हैं तो इसके अंदर एक बिटरनेस आ जाएगा। तो देन में देखिए बस थोड़ा सा मॉडल करना है, राइट, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हम पैक मेजर यूज़ करेंगे, ये है हमारा लेमन जूस है, 15 to 20 ml तक का लेमन जूस इनाफ है। शुगर सिरप वो आपके टेस्ट के हिसाब से लगता है कि आपका गिलास की क्वांटिटी कैसी है, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर फिर स्प्राइट भी ऐड करेंगे, स्प्राइट में तो बहुत सारे शुगर होते ही होते हैं, तो इसको भी हम लोग 15 to 20 ml डालेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका शुगर सिरप कितना थीन है और कितना थिक है, बहुत ज़्यादा अगर मीठा हो जाएगा तो आपका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर बाद में आप बोलोगे कि आपने रेसिपी ऐसी बताए और गेस्ट को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी के घर पे भी कोई गेस्ट आते हैं, अगर किसी ने घर में भी अगर बना के अगर उसको ड्रिंक को अगर देते हैं, अरे मज़ा नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, इसकी मेजरमेंट कॉकटेल और मॉकटेल का सबसे अहम चीज़ है, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में अगर बनाया जाए तो मेरे हिसाब से तो फिर वो तो सारी सीक्रेट रेसिपी को पीछे ही छोड़ देगा। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या ऐड किए, मिंट लीफ ऐड किए, लेमन का चिंग ऐड किए, देन शुगर सिरप एंड लेमन जूस। इसके बाद जो इसकी जो थर्ड फोर्थ आती है मिंट सिरप। मिंट सिरप हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का लीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्वीटनेस के लिए हम लोगों ने शुगर सिरप ऐड किए, लेमन का फ्लेवर ऐड करने के लिए हमने लेमन भी ऐड किया और उसमें एक सवरनेस भी देता है। दूसरी चीज़ें हम मिंट दिए हैं, जो मिंट का एक नेचुरल और 100% जो कुदरती इसमें जो फ्लेवर ऐड है वो इसमें शामिल हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये
बहुत ज्यादा एकदम जरूरत नहीं है इसको डालना, ये डिपेंड करता है कि थोड़ा से डाल देते हैं क्योंकि पूरी दुनिया इसमें डाल रही है, अगर मैं नहीं डालूंगा तो लोग बोलेंगे इसकी रेसिपी ठीक नहीं बताए, तो बहुत ज्यादा निकल गया है, अपन बस इतना ही काफी है, एकदम 5 ml के आसपास में उसको डालना है बस, इसका यहां तक का कंप्लीट हो गया। अब अपन लेते हैं आइस, आइस को क्या करने का है, अगर आप घर पे बना रहे हो तो आइस को, आइस देखिए दो तीन तरह का हम लोग कॉकटेल में यूज करते हैं। सबसे पहला आइस जो होता है, जो सीलिए होता है हम लोग का, अगर पार्टी वगैरह में यूज करते हैं, जो हम लोग को चिलिंग के लिए यूज होता है, ये क्या होता है क्यूब्स होता है जो हम लोग कॉकटेल्स प्लस हम लोग स्टेग ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं। दूसरी चीज होता है एक क्रिक्ड आइस होता है, जो क्रिक्ड होता है जो एक आइस के क्यूब्स को अगर हम 2 से 3 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दें, और जो तीसरे चौथे नंबर पे जो आती है हम मशीन के साथ में आइस को क्रश कर दें, ये क्रश नहीं है ये क्रेक किया हुआ आइस हुआ है, मैं इसको क्रेक किया हुआ आइस थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ। और मोहितो का सबसे जो अहम चीज है रेसिपी के साथ साथ आइस का भरमार होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं स्प्राइट, अब रही बारी मिक्सिंग की, क्योंकि ये मिक्सिंग ड्रिंक है इसको अपन जितना अच्छा मिक्स करेंगे इसकी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्सिंग ड्रिंक हमेशा मिक्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए आपके, मिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आपका ड्रिंक डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। ये हमारा मिक्स प्रॉपर हो गया, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मैं इसके ऊपर आइस और ऐड करूंगा, आइस ऐड कर दिया, मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, आप चाहे तो फ्रेश मिंट का एक स्प्रिंग इसके दिन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी या फिर एक लेमन भेज ऐड कर सकते हैं, दो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। गार्निशिंग से पहले आप हमेशा याद रखिएगा, गार्निशिंग से पहले आप हमेशा एक और एक स्टिक जरूर इसमें डाल के रखिए ताकि गार्निशिंग के आपको खराब ना करे, ये आपका प्रॉपर तरीके से वर्जिन मोहितो जो कैफे एंड रेस्टोरेंट एंड बार क्लब वगैरह में जिस टाइप का मिलता है ये इसी तरह का एकदम बना हुआ है, आप बिल्कुल इसी तरह का बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसकी रेसिपी प्रॉपर समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा। आप इसकी बॉडी टेक्सचर देखिए, कॉकटेल मॉकटेल में 3 पार्ट होता है, सबसे जो अहम पार्ट होता है उसका बेस, हम इसमें किस बेस में हम बना रहे हैं, दूसरा जो उसका पार्ट होता है बॉडी, हम इसकी जो बॉडी टेक्चर को किस चीजों से हम खिलप कर रहे हैं, तीसरा जो उसका पार्ट होता है उसकी गार्निश, हम 3 पार्ट में हम कॉकटेल मॉकटेल को बनाते हैं। तो सबसे अहम चीज जो है, क्योंकि अगर हम जो चीज बना रहे हैं सबसे पहले पहले आंख देखकर उस ड्रिंक को वो फूड को इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि अगर वो इम्प्रेस हो जाता है तो आपका 50% टेस्ट वहीं पे मेंटेन हो जाता है, बाकी रही 50% वो आपको देना ही पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये चीजें आपको पसंद आई होगी, आप इसमें स्प्रिंग लगा सकते हैं, मेरे पास स्प्रिंग नहीं होने के कारण मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया है, देन इसकी लुक बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए, इसकी टेक्सचर बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए। फिर देखिए अगर आपके कैफे से अगर आप देख रहे हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट या किसी क्लब में है तो बिल्कुल ऐसी बना के आप मोहितो अगर लोगों को पिलाएंगे, अगर रिपीट ऑर्डर ना आया तो मेरे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो रेसिपी बताया, मोहितो तो बिकता ही है हर जगह पे 2, 4, 5, लेकिन जो वीडियो कुछ वीडियो जो मैं रायपुर से अभी वीडियो बना रहा हूँ, रायपुर में बहुत सारे क्लब में, बहुत सारे रेस्टोरेंट में, बहुत सारे अच्छी अच्छी ब्रांड वाली होटल में मैंने वहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी दिया है, शायद वहाँ पे 100 से ज़्यादा ही बिकता है। हम लोगों ने एक 100 टाइप्स ऑफ मोहितो फेस्टिवल जब किए थे इसी रायपुर में, हम लोगों ने मतलब रिकॉर्ड तोड़ कर दिए थे, मतलब 600-700 हम लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर 700 3 डेज में, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 डेज में 700 हम लोगों ने मोहितो सेल कर दिए थे, क्योंकि 100 टाइप्स ऑफ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर में हम लोगों ने मोहितो बनाए थे।